students, we are back with the second part. More than half of the chapter is completed in the previous video. If you have any doubt, please refer that video. So let's get started with the part second. So here we are on the last stanza of the page. But that was not so. After 5 years, I come back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. तो वो अपनी आगे की डिग्री कंप्लीट करके आया था फ़ौरन से 5 साल के बाद अपने घर आया था. तो वो अपनी दादी से स्टेशन पर मिला और उन्होंने देखा कि मतलब वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी. जैसे वो छोड़ कर गया था वो वैसी ही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उनके पास अभी भी बात करने के लिए शब्द नहीं थे. एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. तो उन्होंने मुझे अपनी मतलब हाथों से गले लगाया, मतलब प्यार से उन्होंने उसे गले लगाया, और तो उसने उनकी आवाज़ सुनी कि वो अभी भी प्रेयर अपने मन में या फिर बहुत हल्के हल्के बोल रही हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज. जब मैं पहले दिन आया था तो पहले दिन ही उनका पहला जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उनका स्पैरोज के साथ था. मतलब वो स्पैरोज के साथ सबसे ज़्यादा खुश थी. होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, मतलब वो काफ़ी देर से उन्हें खिला रही थी और फिर उन्होंने एकदम से फ्रिवोलस रिब्यूक्स, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं थी पर फिर भी उन्होंने गुस्से में बोला. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हेयर, शी डिड नॉट प्रे. मैंने शाम हुई और मैंने देखा कि यहाँ पे एक बदलाव हुआ है कि उन्होंने पूजा नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड गेट स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने मोहल्ले की जो लेडीज़ थी उन्हें बुलाया और इकट्ठा हुए वे सब, और उन्होंने एक पुरानी सी ड्रम या ढोलक जिसे कहते हैं उन्होंने उसे उठाया और उसके साथ बजा कर उसे गाने गाने लगी. फॉर सेवरल आवर शी थम्ड द सेगिंग, और काफ़ी घंटे तक उन्होंने वो उस बैंड को उन्होंने बजाया. एंड द नेक्स्ट पेज इज हेयर स्किन ऑफ द डेलिकेटेड ड्रम, उसकी जो स्किन होती है उसे उन्होंने बजाया. एंड द सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, उन्होंने मेरे घर आने की खुशी में वो गाने बजाए थे और ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई योद्धा लड़कर घर आया हो, तो उन्होंने इस खुशी में ड्रम बजाया था. ही हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिडंट प्रे. तो मतलब उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेनिंग को अवॉइड किया और मैंने ये पहली बार देखा था कि उन्होंने प्रे नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, तो अगली सुबह वो बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. वो हल्का सा बुखार था जो डॉक्टर ने कहा था कि वो चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ अलग सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि मेरा जो अंत है वो नज़दीक है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. उन्होंने देखा कि मेरे जीवन के कुछ घंटे बचे हैं तो उन्होंने अपना चैप्टर, मतलब उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले कि वो प्रे कर लें. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने अब हमसे बात करने के लिए, मतलब टाइम वेस्ट करने की बजाय उन्होंने प्रे करने के लिए सोचा. और वो वी प्रोटेस्टेड पर हमने उन्हें रोका, मना किया, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, तो वो आराम से शांति से अपने बेड पर लेटी रही और अपने मन में अपनी जो माला थी उसे रोटेट करती रही और प्रे करती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. और अचानक से मतलब उन्होंने देखा एकदम से उनके जो लिप्स थे वो मूव करना बंद कर दिए थे
और जो वो रोजेरी माला थी उनके हाथों से गिर गई थी क्योंकि उनके हाथों में जान थी नहीं। अ पीसफुल पैलो स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक उनके फेस पर एक शांति सी फैल गई थी क्योंकि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, तो इससे पता चलता है कि वो शी वॉज डेड, वे अब मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ टू द बेड एंड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड। तो हमने उन्हें उठाया बेड पर से, और ये एक रिवाज होता है कि मतलब रूल हो जिसे कह सकते हो कि मतलब उन्हें कवर कर कर उन्हें ग्राउंड मतलब फर्श पर या जमीन पर लिटा देते हैं विद अ रेड श्राउड, और मतलब उनके ऊपर लाल रंग की चद्दर उसके ऊपर उड़ाकर उन्हें लिटाया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ हर माउनिंग वी लेफ्ट हर लोन टू मेक अरेंजमेंट्स। कुछ ही घंटे बाद उनकी हमें जो अरेंजमेंट्स करने के लिए उन्हें फ्यूनल मतलब जैसे कि किसी को हम हिंदुओं में जलाते हैं तो उन्हें उस चीज़ को फ्यूनल कहते हैं, पर जो अलग अलग जैसे क्रिश्चियंस में दफना कराते हैं तो ये उनका फ्यूनल है, तो ऐसे ही उसके फ्यूनल की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू अर रूम विद अ क्राउड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। हम शाम को उनके कमरे में गए एक स्ट्रेचर को लेकर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। वो उनके रूम में से उन्हें लेने गए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, मतलब उन्हें मतलब दाह कर्म करना, मतलब किसी बॉडी को जलाने के लिए बर्न करने के लिए उनको लेकर गए। और द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जो मतलब शाम का समय था तो जो सन था वो डूब रहा था और उसमें से जो गोल्डन रेज आ रही थी लाइट आ रही थी तो वो उनके रूम में और वरांडा में पूरी तरह बिखरी हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। मतलब वरांडा में रूम में शी ले डेड स्टिफ रैप्ड, मतलब जो लाल रंग के कपड़े में वो लिपटी हुई थी वो सब जगह बैठी हुई थी। और थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो वहाँ पर बहुत सारी स्पैरोज भी आ गई थी जो पूरे वरांडा में बैठी हुई थी, काफ़ी सारी स्पैरोज थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, बहुत शांति से बैठी हुई थी, बिल्कुल शोर नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड हिम ब्रेड फॉर दैम। उनके लिए उन्हें ले जाने के बाद जब वो बर्ड्स आकर बैठी तो मेरी जो ऑथर की मदर थी उन्होंने उसे कुछ ब्रेड खिलाई। शी ब्रोक इन टू अ लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में किया। दैट द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, मतलब जैसे उसकी दादी करती थी ऐसे उसकी मदर ने किया। एंड थ्री इट टू दैम, और उन्हें मतलब दिया खाने के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और उन्होंने उस ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब उन्होंने मेरी मतलब मेरी दादी को लेकर जा रहे थे उनके शव को उठाकर, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बहुत ही शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। सुबह कर अगली सुबह जो स्वीपर मतलब सफाई करने वाला होता है उसने सारी ब्रेड क्रम्स को साफ करा और उठाकर उसने डस्टबिन में फेंक दिया। सो हेयर द चैप्टर कंप्लीटेड।